हेलो दोस्तों, जब भी हम अंडे खाते हैं तो हमारे दिमाग में ये तो प्रश्न आता ही होगा कि आखिर अंडे वेज होते हैं या नॉन वेज, और क्या उसे वेजिटेरियंस खा सकते हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अंडे दो प्रकार के होते हैं। पहला है फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग में मेल चिकन यानी नर चिकन और मुर्गी के बीच में मेटिंग होती है, और मेटिंग के बाद जो अंडे बनते हैं उन्हें फर्टिलाइज्ड एग कहते हैं। और वहीं दूसरे तरीके के अंडे होते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग। अनफर्टिलाइज्ड एग में मेटिंग नहीं होती है, और दोस्तों मेटिंग के बाद जो फर्टिलाइज्ड अंडे निकलते हैं उन्हीं में से बाद में जाकर चिक्स यानी मुर्गी के बच्चे पैदा होते हैं। और हम जो अंडे खाते हैं या जो बाजार में मिलती है वो होती है अनफर्टिलाइज्ड एग, जिसमें से मुर्गी के बच्चे कभी पैदा नहीं हो सकते क्योंकि उनमें कोई लाइफ नहीं होती है, कोई जीवन नहीं होती। और ज्यादातर अंडे जो हमें मिलते हैं वो अनफर्टिलाइज होते हैं, क्योंकि जन्म के बाद से ही मेल चिकन यानी नर चिकन को मार दिया जाता है ताकि पोल्ट्री फार्म में उनकी संख्या ज्यादा ना हो और ना ही उनकी वजह से मुर्गी के साथ मेटिंग हो, जिसकी वजह से अंडे अनफर्टिलाइज रहें और पोल्ट्री फार्म ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कर सके। दोस्तों, अब बात आती है कि अंडे वेज होते हैं या नॉन वेज। तो दोस्तों, ये टोटली डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे डिफाइन करते हैं। आमतौर पर वेजिटेरियन वो लोग होते हैं जो मीट नहीं खाते या किसी भी जीव जंतु को मार कर नहीं खाते या उनकी ज़िंदगी नहीं लेते। पर अंडे के मामले में ये बात थोड़ी अलग है, क्योंकि मार्केट में पाए जाने वाले अनफर्टिलाइज अंडे जो हम खाते हैं उनमें कोई भी जान नहीं होती है और ना ही उनमें से कोई भी मुर्गी के बच्चे निकलते हैं। तो साइंटिफिकली अंडे को एक वेज खाना माना जाता है, क्योंकि इसे खाने से कोई भी मौत नहीं होती, किसी भी जीव की जान नहीं ली जाती है। और ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ अंडे खाते हैं और किसी भी जानवर के मांस को नहीं खाते उन्हें ओवो वेजिटेरियन कहा जाता है। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपको ये फैक्ट पहले पता था, और क्या लगता है आपको कि अंडा वेज होना चाहिए या नॉन वेज। और ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपने और अपने परिवार का। थैंक यू।